आज की इस वीडियो में हम आपको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अयाशी के दौर की दास्तान सुनाएंगे जिससे आप पहले बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये किस्सा मशहूर और मारूफ किताब पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक से लिया गया है। 12 अक्टूबर को जब फौज ने टेक ओवर किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तलाशी ली गई तो बरामद होने वाली दिगर अशिया के साथ अयाशी के सामान की तवील फहरिस्त भी शामिल थी, जिसमें रातों को रंगीन बनाने के लिए खसूसी बिस्तर, फर्श फिल्में, मुश्तरका मखसूस लम्हात को तवील तर करने वाली मशहूर और मारूफ गोलियाँ वगैरह की बड़ी तादाद शामिल थी। मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा एक शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी, जहां हजूर आलम पनाह की तबीयत खुश करने के लिए भांड मौसीकी से लुत्फानंदोज होने के लिए गुलकारों की महफिलें सजा करती थी। नवाज शरीफ अपने इन मुसाहिबीन की दिल खोल कर इमदाद किया करते थे। नवाज शरीफ की इसी फ्याजी का तस्करा करते हुए एक दानिशवर व सहाफ़ी नजम सेठी ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया कि मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के करीबी साथी सैनिटर सैफुररहमान की कंपनी रेडको की जानिब से हर माह 5 लाख रुपये मिलते थे। पुरकशिश किताबी चेहरा, झील सी गहरी आंखें और सराही दराज गर्दन की मालिक ताहिरा सैयद एक तवील अरसा तक नवाज शरीफ के दिल की राजधानी पर हुक्मरानी करती रहीं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खातून अव्वल का दर्जा हासिल था। दोनों के प्यार के किस्से एक अरसा तक जुबान ज़द-ए-आम रहे। ताहिरा सैयद मारूफ कानूनदान व कंपेयर नईम बुखारी के अक्त में होने के बावजूद जनाब नवाज शरीफ की रातें रंगीन बनाती रहीं। बहुत कोशिश के बावजूद जब नईम बुखारी ताहिरा सैयद को राह रास्त पर ना ला सके तो बात तलाक की सूरत अख्तियार कर गई। यूं मियाँ नवाज शरीफ की ऐश परस्त तबीयत ने एक हंसता खेलता घराना तबाह कर दिया, गो कि इसके बदले ताहिरा सैयद को बहुत माली फवायद हासिल हुए। मियाँ साहब ने मरी में पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की चेयर लिफ्ट ताहिरा सैयद को दे दी, जिससे इन्हें रोज़ाना 1000 रुपये आमदन होती थी। लेकिन जब 1993 में बेनजीर की हुकूमत इकतदार में आई तो उन्होंने ताहिरा सैयद को इस सहूलत से महरूम कर दिया। ताहिरा और नवाज़ के इश्क ने नईम बुखारी का घर जला कर राख कर दिया। लेकिन जब इस इश्क की तपश मियाँ साहब के घर में महसूस की जाने लगी तो एक हंगामा खड़ा हो गया। ताहम शरीफ फैमिली के अंदरूनी वाक़ात से बाखबर अहबाब का ये कहना है कि कुलसुम नवाज़ ने इस मरहले पर नहायत सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का सबूत देते हुए मामले को संभाला और अपने शोहर को ताहिरा सैयद के शहर से आज़ाद करवाने में बदतदरीज कामयाब हो गई। कुलसुम नवाज़ खालिस्तन मशरकी माहौल में पलने बढ़ने वाली घरेलू खातून हैं। ऐसी खातून को अपने खामदों पर अंधा एतबार होता है और खामद की छोटी मोटी लगजिशों को बर्दाश्त कर जाती हैं, लिहाजा इन्होंने ताहिरा सैयद के मामले को दिल पर ना लिया। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि मियाँ साहब ने दिल के बुतकदे में कई सनम रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।